सन 1919 में सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ। इसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय को अनिश्चितकाल तक बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। रोलेक्ट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया तथा इसे काला कानून भी कहा गया। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल घोषित की। फिर 10 अप्रैल को पंजाब के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस कारण 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए। जनरल ओडायर ने निहत्तों पर गोली चलवा दी, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए, पर जो सरकारी रिपोर्ट आई इसमें सिर्फ 300 से 400 लोग ही मारे गए। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई तथा कांग्रेस ने भी 3 लोगों की समिति बनाई, जिसमें मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में महात्मा गांधी एवं मोतीलाल नेहरू थे। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, तुर्की थे, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन रूस थे। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस की सामूहिक रूप से जीत हुई। तुर्की इस्लाम धर्म के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता था, क्योंकि इस्लाम धर्म का जो प्रमुख होता था वो तुर्की राजा होता था, उसे ही खलीफा स्वीकार करते थे। जब तुर्की हारा तो ब्रिटेन ने तुर्की के विभाजन की बात कही, क्योंकि तुर्की एक ऐसा देश था जिसकी सीमा यूरोप, एशिया दोनों से स्पर्श होती है। तुर्की के विभाजन की बात से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हो गए और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। दिल्ली में महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। महात्मा गांधी जानते थे कि ब्रिटेन के युद्ध लड़ने के कारण इनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में कमी आई है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन आरंभ किया। ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और इसी दौरान लोकमान तिलक जी की मृत्यु हो गई और पैसा इकट्ठा करने के लिए तिलक स्वराज कोष बनाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ। विद्रोह को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। 2000 से अधिक मोपला किसान मारे गए। करीब 45,000 किसानों को बंदी बनाया गया। फिर 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना घटित हुई, जिसमें पुलिस के 22 सिपाहियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। ये घटना चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना से गांधी जी इतना आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया। मार्च 1922 में गांधी जी को सेक्शन 24A के तहत 6 वर्ष की सजा हो गई तथा सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद में किया गया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव लड़ना था, ताकि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय अपनी सारी बातें तथा अंग्रेजों द्वारा हुए बुरे बर्ताव को यहां रख सके, जिससे कि ये बातें पत्रिकाओं के माध्यम से आम जनता तक पहुंच सके और जनता का अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बना रहे। फलस्वरूप 1923 के अंतिम महीने में चुनाव में स्वराज पार्टी को भारी सफलता मिली। वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी की तबीयत खराब होने के कारण इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की। 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु हो गई। इन्हें देशबंधु भी कहा जाता है। मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हो गया और स्वराज पार्टी खत्म हो गई। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, पर यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इस कमीशन का कार्य भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस ले जाओ के नारे लगाए और जमकर इसका विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में लोग साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। अक्टूबर 1928 में जब आयोग लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन ने आयोग के खिलाफ काले झंडे फहराए। स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया और श्वेत पुलिस अधिकारियों में से एक ने लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इस आयोग में 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, परंतु कहा गया कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, जिसमें भारतीय भी इस आयोग में शामिल होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण 1930 में एक रिपोर्ट बनाई गई और इस रिपोर्ट के विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ।